Dear students, welcome all of you for the chapter number 4. Today we are going to start a new chapter, quadratic equations. Have you heard it about quadratic equations? Have you ever heard? In class 9th, in chapter number 2. Okay. Can you tell me, you have studied about the polynomials. One of the quadratic polynomial is in the form of x ax square plus bx plus c. Kya tha? Ax square plus bx plus c, जहां पर a should not be equal to 0. That is called quadratic polynomial. और इसके आगे यदि मैं 0 लगा दूं, equal to 0 कर दूं, तो यह बन जाएगी quadratic equation, जिसमें power 2 है, वो तो है quadratic. जिसमें पावर 1 है उसको क्या बोलते हो, क्या बोलते हो? लीनियर इक्वेशंस. और जिसमें अगर पावर 3 हो तो क्या बोलोगे? क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल या क्यूबिक इक्वेशंस. अभी हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहां पे अपने पास एक स्क्वायर करके टर्म आनी चाहिए. अगर स्क्वायर नहीं आया तो वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. एक एग्जांपल दे रखा है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? कहीं काम आती है क्या? तो बहुत सारी जगह काम आती है. इक्वेशंस को सॉल्व करने में हम जब कभी किसी भी चीज की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है ना, तो इक्वेशन फॉर्मेशन करते हैं. और इक्वेशन फॉर्मेशन करने में अपने को ये बहुत काम आती है. चलिए इक्वेशन एक, फॉर इंस्टेंस सपोज ए चैरिटी ट्रस्ट डिसाइड टू बिल्ड ए प्रेयर हॉल हैविंग ए कारपेट एरिया ऑफ 300 स्क्वायर मीटर. कारपेट एरिया मतलब एरिया, अंदर का एरिया, उसको कारपेट एरिया. लेंथ इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ. ऐसा कोई क्वेश्चन है, कैसा है लेंथ, कैसी है लेंथ? अगर मान लिया ब्रेथ एक्स है तो लेंथ क्या होनी चाहिए? उसकी ट्वाइस से 1 मीटर ज्यादा. ये हो गई मेरी लेंथ, ये हो गया मेरी ब्रेथ, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरा एरिया, ये मेरा फॉर्मूला आया. बिल्कुल सही है क्या? और ये मेरी बन गई इक्वेशन. अगर इस इक्वेशन को मैं सॉल्व कर दूं तो मेरे को x की वैल्यू आ जाएगी, और x की वैल्यू आ जाएगी तो मेरा सॉल्यूशन आ जाएगा, लेंथ एंड ब्रेथ निकाल लूंगा. चलिए इसका सबसे पहले किन किन लोगों ने जरा इसका रिसर्च किया, कौन कौन लोग है जरा नाम पढ़ लेते हैं. बेबीलोनियंस ने भी कुछ काम किया, यूक्लिड ने इसके ऊपर काफी काम किया, अपने इंडिया के ब्रह्मगुप्त, अपने इंडिया के ब्रह्मगुप्त जो है 598 कॉमन एरा वाले हैं. उसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट है श्रीधराचार्य, इनका फॉर्मूला अपने पास अभी अपन इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, जो बहुत काम का है. श्रीधराचार्य ने काम किया. फिर उसके ऊपर अरब का मैथमेटिशियन अल ख्वारिज्मी ने काम किया. अब्राहम बार हैया ने भी काम किया. तो इन सभी लोगों ने काम किया. क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जब बात हो रही है तो ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है. ए एक्स स्क्वायर, क्या लिखो जरा, सब बच्चे लिख लो एक बार, सभी लिख लीजिए मेरे साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो. और ए शुड नॉट बी, यानी कि स्क्वायर टर्म तो होनी ही चाहिए, बी और सी जीरो हो तो चलेगा, लेकिन ए जीरो नहीं होना चाहिए. ये कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, ठीक है. अब सीधे सीधे अपन आ जाते हैं
स्टैंडर्ड फॉर्म अपन ने पढ़ लिया, एग्जाम्पल नंबर वन पे आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर वन पे आ जाते हैं। हाँ जल्दी जल्दी पढ़ेंगे ना थोड़ा। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, कंचे। जॉन और जीवंती के पास 45 कंचे हैं, मार्बल्स। तो मान लीजिए जॉन के पास एक्स है, लेट द जॉन हैव द एक्स मार्बल्स, जीवंती विल बी हैविंग 45 माइनस एक्स मार्बल। देखो समझो चीज को कैसे इक्वेशन फॉर्म होती है, देखो मेरे साथ चलते जाओ, बहुत मजा आएगा। ठीक है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट, ठीक है, 5 मार्बल्स, और वो जो पांच पांच उनके कंचे खो गए, और फिर उसका जो प्रोडक्ट है वो 124 है। ओके, तो पांच पांच कंचे अपन गायब कर देते, ये हो जाएगा x माइनस 5 तो जॉन के पास, और जीवंती के पास रह जाएंगे 45 माइनस x माइनस 5, है ना, और इस ये बन जाएगा कितना 40 माइनस x। ठीक है, अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, अरे हाँ x माइनस 5 और 40 माइनस एक दोनों को गुणा कर दो, 124 आना चाहिए। दैट इज द इक्वेशन। इक्वेशन फॉर्मेशन करना सीखो, देखो यही किया बुक में भी, ये किया उसको, उसके बाद सॉल्व किया और उसके बाद इस फॉर्मेट में आ गई, यहां x कॉमन ले लिया, इसको नहीं पहले इधर लाए इक्वल टू करके, और ये मेरे पास इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी अपन सॉल्व करना सीखेंगे, अभी आने वाला है, लेकिन अभी किसी भी प्रॉब्लम को इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट कर रहे वो सीख रहे हैं अपन, तो काम की चीज है कि नहीं, समझ में आ गया। जॉन और इसका जीवंती वाला मामला, इसके x माइनस 5 रह गए, इसके 40 माइनस x रह गए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 124 आ गए, फिर उसको सिंप्लीफाई कर दिया, क्या किया सिंप्लीफाई कर दिया, तो सिंप्लीफाई जब किया तो ये आ गया। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट देखो बच्चों, मैथ्स में पढ़ाने की टेक्निक में आपको बता रहा हूं, पढ़ने की टेक्निक, कि सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते जाइए, अपना माइंड अप्लाई कीजिए, बहुत मजा आने लगेगा, धीरे 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 आपको ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको मैथ्स बहुत ईजी लगेगी, और हमारे किसी भी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, आपके जो रूटीन एग्जाम में, कहीं पर भी आप मैथ्स में आप कमजोर नहीं रहेंगे, मैथ्स नाम की चीज का डर खत्म हो जाएगा। चलिए ये क्या कहता है, कोटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे, सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज, सर्टेन नंबर मान लेते वो एक्स है, मान लेते वो एक्स, लेट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे। तो हमने तो एक्स बनाए थे, तो एक्स में से 55 कम कर दो, इतना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, एक टॉय को बनाने का जो खर्चा है वो ये है, और टॉय की संख्या एक्स है। ठीक है भैया, ठीक है, अब एक दिन उसने प्रोडक्शन जब किया उसका खर्चा आया 750 रुपीस। ठीक है, तो नंबर ऑफ टॉयज मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू 750, ये मेरी इक्वेशन आ गई, करें सॉल्व, कर लो, इसी को यही सॉल्व कर लेता हूं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x माइनस 750 इज इक्वल टू 0 आई क्या, देखो 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 यही है, बहुत इजी, सबको समझ में आया, लैंग्वेज में कोई परेशानी नहीं हुई। अब मैं आगे और चलता हूं, एग्जांपल नंबर 2 पे आता हूं।
एग्जाम्पल नंबर टू पे आ जाओ बच्चों, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सभी बच्चे इसको सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं, बहुत इजी, लेकिन सिंप्लीफाई करने में, माइनस प्लस में, इधर से उधर इसको लाने में हमें गलती नहीं होनी चाहिए, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहेंगे, एक बार कंडीशन याद कर लो, वापस बोलता हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्मेट में आना चाहिए और ए जीरो नहीं होना चाहिए, यानी स्क्वायर की टर्म चाहिए, ठीक है, ये कंडीशन है। चलो शुरू करते हैं, आ जाओ पहला क्वेश्चन, ये वाला मेरे शुरू करने से पहले अगर आप ट्राई करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। इसको मैंने खोला, इसको स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर प्लस वन रखा हुआ, ठीक है, ये इसको इधर लाऊंगा, ये बन जाएगा माइनस का सिक्स एक्स, ये प्लस का एट, ये मेरी इस फॉर्मेट में आ रहा है, यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस, बट यू हैव टू सिंप्लीफाई। सेकेंड इधर है, इसको दोनों तरफ सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एट, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ये बच गया केवल एक्स प्लस ट्वेल्व, स्क्वायर टर्म नहीं है, ए जीरो हो गया यहाँ तो, इसलिए इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यू कैन डू सम थर्ड नंबर करिए, करो सॉल्व, ये थर्ड नंबर सिंपल दोनों तरफ किया, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस। अब फोर्थ नंबर थोड़ा अलग है, फोर्थ नंबर में थोड़ा क्यूब आ रहा है, क्यूब, फोर्थ नंबर में क्यूब आ रहा है, तो आप ये गलती मत कर देना कि क्यूब आ रहा है सर, ये तो क्यूबिक हो गया, ये तो क्वाड्रेटिक नहीं है, नहीं गलत, सॉल्व कीजिए। ये पहले तो इसको खोलो, किसको आता है कि नहीं आता है बताओ, x प्लस टू का होल क्यूब खोलना आता है कि नहीं आता है, फॉर्मूला मुझे कौन बताएगा, यस एवरीबॉडी मेरे साथ चलिए, a प्लस बी होल क्यूब फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी, इस फॉर्मूले में इसको रख के सॉल्व करो, सॉल्व कीजिए, यहां से एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कट रहा है, अब मेरे पास ये बचा, पहले ये आया, इसमें मैंने टू कॉमन ले लिया, क्या कॉमन लिया, सिक्स कॉमन ले लिया, तो माय इक्वेशन इज नाउ दिस। डू एवरीबॉडी, बच्चों देखना नहीं है, कर लेना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, सॉल्व करना है, सीधे आ जाइए एक्सरसाइज 4.1, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। चलो एट क्वेश्चन है, सभी कर डालो, पॉज द वीडियो, पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, व्हेन यू कंप्लीट ऑल देन यू रिस्टार्ट द वीडियो, so that you can check whether you have done any mistake or not. This is my first equation. इसको सोल्व किया, yes. इसको भी सोल्व किया, yes. इसको मैं इधर लाया, तो 2x से 2x मेरा कट गया, x square plus 7 आ रहा है, तो वैसे आप कहोगे सर ये तो अलग है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, लेकिन है, इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, x square प्लस जीरो इंटू एक्स प्लस सेवन, यहां लिख सकता हूं जीरो, लेकिन वहां जीरो नहीं चाहिए, स्क्वायर टर्म तो चाहिए ही चाहिए, तो दिस इज यस, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस, इसीलिए सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, हाँ, इजी होने के बाद भी ये कीजिए,
इसको जरा इधर से उधर ट्रांसफर किया एंड यू विल गेट दिस इक्वेशन. यस, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यस, नंबर थ्री, करो मल्टीप्लाई, प्रैक्टिस, सबको आता है, एवरीबडी नोज इट, एवरीबडी हैज डन ऑल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन क्लास 8, इन क्लास 9. ओके, मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू दिस दिस. ओके, वी आर गेटिंग, यहां स्क्वायर टर्म गायब हो गया. यस, स्क्वायर टर्म गायब हो गया. इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. फोर्थ, इसमें क्या करेंगे, इसको किया, इसको इधर लाए. ओके, यस यस, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सभी के यही आया ना आंसर, सभी ने ट्राई किया था ना. यू हैव गॉट द सेम आंसर. व्हाट अबाउट दिस, इसको इधर लाए. ओके, अगेन वी आर गेटिंग दिस मच. ओके, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डू इट. स्मॉल सिंपल सिंपल क्वेश्चन, अभी तो टफ तो अभी आगे आने वाले. ये क्या हुआ, इसमें तो एक्स स्क्वायर यहां कट रहा है. ऐसे आप लोग काट देना तो ठीक है, प्रैक्टिस से काट सकते हो, लेकिन कभी कभी इसको ट्रांसफॉर्म करके दूसरी साइड में ला के फिर जीरो लाना, नहीं तो किसी को प्रैक्टिस से कर सकता है. ये इस फॉर्मेट में आ गया, एक्स स्क्वायर टर्म नहीं है, तो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सेवन, ये क्यूब का टर्म खोलना है. एक्स ए क्यूब है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल इन टू थ्री प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी. जरा सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे बच्चों. यहां आ गया, ये क्यूब का टर्म अभी कटा नहीं है, है. तो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज ए क्यूबिक इक्वेशन. सो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. लास्ट क्वेश्चन, यहां भी क्यूब आ रहा है, लेकिन ये क्यूब से ये क्यूब कट गया. फिर इसको जब अपन ने देखा तो यस, इट इज इन दिस फॉर्म, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. वी हैव डन ऑल द ऑड 8 क्वेश्चंस. एग्रीड, यू हैव ऑल्सो डन. चलें आगे, ठीक है. क्वेश्चन नंबर टू, हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. केवल इक्वेशन बनाना है, सॉल्व नहीं करना है. इक्वेशन फॉर्मेशन कैसे करते हैं वो सीखना है. क्वेश्चन नंबर वन, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर. लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस ऑफ इज ब्रेथ. क्या है, तो ब्रेथ तो हो गई एक्स, तो लेंथ क्या हो जाएगी बच्चों, लेंथ हो जाएगी ट्वाइस से वन मोर देन. ठीक है, बस. तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्स और टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 528. दिस इज माई इक्वेशन. करिए सॉल्व, आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेक कीजिए. यस, दिस इज माय इक्वेशन. सभी बच्चे सॉल्व करके चेक करिए, चेक करिए. छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं ये, पहले अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो अभी आने वाले किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी. क्वेश्चन नंबर टू, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर. सिंपल है यार, टू
कंसेक्यूटिव प्रोडक्ट पॉजिटिव नंबर, एक तो x हो गया, एक x प्लस वन हो गया, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इट इज इक्वल टू 306। सिंपल इक्वेशन बनाइए बनाइए। Small, small questions and easy, easy questions. Question number 3. Rohan mother is 26 year older than him. Okay. इसका मतलब रोहन का जो एज है वो तो एक्स है और मम्मी का एज है 26 प्लस एस, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ, तो रोहन हो जाएगा आफ्टर 3 years x प्लस 3, मम्मी हो जाएगी 26 प्लस x प्लस 3, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 360 आना चाहिए। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस, अब तो सबको इंटरेस्ट आ रहा है ना। यस बच्चों, यस यस, यहां सब बच्चे पहुंच गए। इसको जरा सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने में मेरी हेल्प नहीं चाहिए आपको। अगर आपको सॉल्व करना नहीं आता है बच्चों, तो मैथमेटिक्स फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर बहुत टफ हो जाएगी आपके लिए। यहां तक पहुंचने के बाद तो हर बच्चे को आगे सॉल्व करना आना चाहिए। यस, दिस इज माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, ए ट्रेन ट्रेवल्स एट ए डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। डिस्टेंस है 480 किलोमीटर और स्पीड यूनिफॉर्म है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज एक्स, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज एक्स किलोमीटर पर आवर। और एक्स किलो, एक फॉर्मूला सब बच्चे याद करो, वी इज इक्वल टू डी अपॉन टी। स्पीड वी इज इक्वल टू, या तो वेलोसिटी भी लिख सकते हो, स्पीड भी लिख सकते हो। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, डी अपॉन वी। ये फॉर्मूला बार बार याद करने की जरूरत है, आगे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे ऐसे। तो पहले वाली स्पीड में जो टाइम है टी वन, वो क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी एक्स। और जो दूसरी वाली स्पीड है वो हो जाएगी 480 डिवाइड बाय x माइनस 8, बिल्कुल सही। और दोनों टाइम में डिफरेंस आ रहा है 3 hours। लगाओ फॉर्मूला क्या है, T2 माइनस T1 ना, स्पीड कम हो गई, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 3। लगाओ फॉर्मूला, ये मैंने लिख दिया फॉर्मूले सब, ये T1, ये T2, T2 इज इक्वल टू T1 प्लस 3, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 3, ये आ गया। करो चलो, अब यहां तक पहुंचने के बाद आगे की कैलकुलेशन में फिर बोलता हूं, कैलकुलेशन आपको आज बच्चों आनी चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाती है। और अभी भी नहीं आती अगर आपको, चिंता मत कीजिए, लेकिन सारे क्वेश्चंस करिए करिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, हो जाएगा। ओके, ये मैंने एलसीएम ले लिया, ये आ गया दिस, इसको जब मैंने लिखा तो ये इससे ये कट रहा है।
सो आई विल गेट दिस एंड यहां मेरे को थोड़ा थ्री इसमें भी कॉमन आ रहा है तो ये मैंने थ्री कॉमन ले लिया एंड आई विल गेट दिस इज माई फाइनल इक्वेशन इन दिस प्रॉब्लम. तो x हम निकाल सकते हैं ना. अभी अब ये इक्वेशन तो आपने बनाई आज है ना, बहुत सारी इक्वेशन बनाई. अब इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, अब आता है मेन इश्यू. अब इक्वेशन को सॉल्व करना सीखना है बच्चों. अभी तो अपन ने पहले चैप्टर में इक्वेशन क्या होती है, फिर इक्वेशन को कैसे फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है. अब अपन आते हैं हाउ टू सॉल्व दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. पहला मेथड है बाय फैक्टराइजेशन. फैक्टराइजेशन भी हमको मालूम है, हमको तो आता है. जैसे फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन है, इसको हम फैक्टर समझ लेंगे और इसका फैक्टराइजेशन कर लेंगे. फैक्टराइजेशन हम कैसे करते थे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. बीच वाली टर्म को आप क्या करते थे, स्प्लिट करते थे. एक तो फॉर्मूला सभी को याद होगा, x प्लस ए और x प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी. ये भी सबको मालूम है, पुराने फॉर्मूले 8th और 9th क्लास के. और a प्लस बी का होल स्क्वायर बोल दीजिए, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना. तो ऐसे वाला कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा तो उसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे और फिर उसको क्या करेंगे, फिर उसको जीरो के जीरो से इक्वेट करेंगे, जीरो से इक्वेट करके आंसर निकालेंगे. तो शुरू करें, चलो एग्जाम्पल नंबर थ्री. सब बच्चे मेरे साथ एग्जाम्पल नंबर थ्री करो, आ जाओ. ये टू है, ये थ्री है, टू इंटू थ्री सिक्स. अब मुझे फाइव को स्प्लिट करना है, ऐसे स्प्लिट करना है कि उसको एड करूं तो फाइव आए और मल्टीप्लाई करूं तो सिक्स आ जाए. क्या करूं बताओ, क्या करूं, थ्री इंटू टू कर दूं, कर दूं, एड करूं तो फाइव आ रहा है और मल्टीप्लाई करूं तो सिक्स आ रहा है. ठीक है, ये मैंने मल्टी कर दिया, x कॉमन लिया या माइनस वन कॉमन लिया, ये मेरे पास आ गया. आ गया, यहां तक आ गए सब बच्चे. अगर आप पीछे चल रहे हैं तो वीडियो पॉज कर देना है बच्चों, ताकि मेरे साथ चलोगे आप, पीछे नहीं रहना है. अब क्या करोगे, सबसे पहले इस वाले को इक्वेट करोगे, जीरो से इक्वेट करोगे. 2x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 3/2. पहला हो गया, पहला इक्वेट. फिर दोबारा इसको इक्वेट करेंगे, x माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1. तो मेरे पास दो सॉल्यूशन आ गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, x स्क्वायर है तो दो आंसर चाहिए. वन आंसर इज x इज इक्वल टू, या तो 1 भी है, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3/2. चलो एग्जाम्पल नंबर थ्री तो हमने कर लिया, सभी बच्चों ने कर लिया. एग्जाम्पल नंबर फोर करेंगे. करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए क्वेश्चंस. चलिए फोर नंबर क्वेश्चन करो जल्दी से. दिस 6 × 2 = 12. ऐसा कुछ स्प्लिटिंग करो कि मल्टीप्लीकेशन तो 12 आ जाए और एडिशन 1 आए. 3 × 4, हाँ ये तो फोन हो रहा है, हो रहा है. यस, डू इट. लीजिए कॉमन, बनाइए इसको, फैक्टराइजेशन कर लीजिए. सभी लोगों ने पढ़ा है 8th और 9th में, खूब सारा पढ़ा है. किसी को नहीं आता है बच्चों, अगर आपकी पहले वाला वीकनेस रह गया है तो बड़ा प्रॉब्लमेटिक है, थोड़ा प्रैक्टिस जाके करना पड़ेगा, 8th क्लास वाला और 9th क्लास वाला. 8th में ज्यादा है ना फैक्टराइजेशन, 8th का है ये. फर्स्ट वी हैव इक्वेटेड 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x बराबर हो गया 2/3. इसको इक्वेट किया
तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई क्या है 1/2। ये मेरा सॉल्यूशन आ गया। इजी, ये तरीका अच्छा लगा सॉल्व करने का, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। वेरीफिकेशन, कभी कभी डाउट हो जाए वेरीफाई भी कर सकते हो। 2/3 रख के देखो x की जगह, 0 आया है कि नहीं आया। कभी कभी वेरिफिकेशन भी करना चाहिए, एग्जाम में ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन गड़बड़ तो नहीं है, यू कैन चेक। एग्जाम्पल नंबर 5, थोड़ा दिखने में टफ है लेकिन है इजी। एग्जाम्पल नंबर 5, 3x² - 2√6 और 2, 3 × 2 = 6, और ये तो 2ab बन रहा है। अगर कोई बच्चे को होल स्क्वायर का आइडिया हो, a² + 2ab + b² तो होल स्क्वायर बन रहा है। अगर किसी बच्चे को अच्छी प्रैक्टिस हो ना तो डायरेक्ट लिख सकता है वो कि √3x - √2 का ये होल स्क्वायर है, और फिर भी आपको डाउट लगे कि नहीं मेरे को तो स्प्लिटिंग करना है तो स्प्लिटिंग भी करते हैं। ये डायरेक्ट होल स्क्वायर बन रहा है, बुक में भी स्प्लिटिंग करके बताया है। बुक में क्या किया इन्होंने, ऐसे स्प्लिटिंग किया, देखो ऐसे, और अल्टीमेटली क्या बना, ये होल स्क्वायर है। जब कभी होल स्क्वायर आए ना बच्चों तो अपन उसको दो बार लिखते हैं, लिखते हैं ना ऐसे, तो इसका हम दो बार इक्वेट करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2/√3। तो √2/√3 दो बार लिखोगे, क्या लिखोगे, आंसर इज 2 times, है ना, ऐसे लिखना है √2/√3 √2/√3 2 times, दोनों आंसर सेम है। जब कभी ऐसा होल स्क्वायर आ जाए बच्चों तो वी हैव टू राइट आंसर 2 times, है ना बच्चों, ये ध्यान रखना। सभी कर लीजिए, सभी कर लीजिए बच्चों, आंसर ये आ गया। एग्जाम्पल नंबर 6, थोड़ा अलग है क्या, एग्जाम्पल नंबर 6 है, उसके बाद एक्सरसाइज, ओके ये थोड़ा अलग है ना। एग्जाम्पल नंबर 6, हाँ, 2 × 300 = 600, और इसमें बचा है 1, क्या करें भाई, 25 × 25 कितना होता है, 625, तो 25 × 24 कर दें क्या, कर दें क्या, यस, दिस इज द आंसर, वेरी वेरी गुड, वी हैव द आंसर x इज इक्वल टू 12, वी हैव द आंसर x इज इक्वल टू -25.2। यहाँ है ना क्वेश्चन में क्या दे रखा है, प्रेयर होल का मामला है, अपने को यहाँ डिस्टेंस निकालनी है ना, तो इसलिए क्या करेंगे, जो नेगेटिव है इसको नहीं मानेंगे, बिकॉज लेंथ और ब्रेथ कैनॉट बी नेगेटिव, है ना बच्चों, तो हम क्या करेंगे, द ब्रेथ ऑफ द होल इज दिस और लेंथ आ जाएगी दिस। वो अपना फर्स्ट नंबर का जो वो था ना सबसे पहले प्रेयर होल वाला, उस क्वेश्चन को अपन ने सॉल्व किया है स्प्लिटिंग मेथड से। एक्सरसाइज तैयार हो, 4.2, फाइंड द रूट्स, चलो चलो जल्दी 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 जल्दी, ऑल द 5 क्वेश्चंस, फटाफट करो, वीडियो पॉज करो, जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन को स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व कर दीजिए। मैं भी जल्दी जल्दी करूंगा। x² - 3x - 10 5 × 2, यस, ये भी आप करिए, हैं कैसे 5 × 2 करके बैठ मत जाना, और फिर इनको इक्वेट करना, वी आर गेटिंग 2 answers।
हाँ ये तो इजी है, 4 × 3 वेरी इजी, ये भी कर लीजिए, यू आर गेटिंग दिस आंसर। वी हैव टू डू ऑल द क्वेश्चंस, ये कैसे करोगे? अब आया कुछ मजा? अभी तक तो लग रहा था बहुत इजी है, कुछ भी ये भी इजी है। 5√2 × √2 कितना होगा? 10। 7 को स्प्लिट कर दो, मल्टीप्लीकेशन 10 आना चाहिए, 5 × 2। यस 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 आ गया। ये x कॉमन लिया, √2 5x + 5, फिर यहाँ √2 कॉमन लिया, ओके √2 x + 5 x + √2। एक्स इज इक्वल टू आ रहा है -5/√2 और एक्स इज इक्वल टू आ रहा है -√2। अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन, डू इट, सभी बच्चे कर लो, ये करके बताओ इसमें क्या करोगे। ये 1/8 है, कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। इस 1/8 को अपने को अगर सिंप्लीफाई करना है तो क्या करोगे बताओ? कुछ भी नहीं करना, इस 8 को एलसीएम ले लो। कैसे लोगे? नीचे अगर 8 ले लोगे तो ये हो जाएगा 16x² - 8x + 1 = 0। इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रह जाएगा, ये मेरी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, इस फॉर्म में लाओ। अब इसके स्प्लिट कर दो, 16 × 4 × 4, बस हो गया काम। स्क्वायर हो रहा है तो 4x - 1 स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू 1/4 1/4। यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। फिफ्थ नंबर क्या कह रहा है? टेन इंटू टेन के अमल स्प्लिटिंग किया, वैसे ये होल स्क्वायर बन रहा है, क्या बात है। एक्स इज इक्वल टू 1/10 1/10, इट इज माई आंसर। फिनिश। सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन example 1। example 1 निकालो। example 1 में क्या क्वेश्चन था भाई? कौन सा था वो example 1 में? जीवंती वाला कौन सा वाला है? एग्जाम्पल 1 बताओ कौन सा है, निकालो। जीवंती वाला तो, हाँ, जॉन एंड जीवंती वाला। यस, example 1 जॉन एंड जीवंती वाला, और ये मेरी इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है बच्चों। जीवंती वाला और दूसरा टॉय वाला। यस, करते हैं सॉल्व। ये मेरा जीवंती वाला करते हैं। 45 को स्प्लिट करना है, 324 मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं तो 324 को जरा प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं तो कुछ आएगा। थोड़ा प्रैक्टिस से करेंगे तो मालूम चल जाएगा 36 और 9 में स्प्लिट हो रहा है। आप सभी लोग करेंगे, धीरे धीरे सब चीज आ जाएगी, एंड वी आर गेटिंग द आंसर, एक्स इज इक्वल टू 36 और 9। यस, दूसरा वाला क्वेश्चन, वो मार्बल, वो टॉयज वाला। अब इसमें भी स्प्लिटिंग करना है। हाँ, तो ये हो गया 25 और 30 से स्प्लिट हो रहा है, कर दीजिए, इसको भी कर दीजिए। वी आर गेटिंग दिस आंसर। यू कैन डू इट विद द प्रैक्टिस, यू कैन डू इट विद प्राइम फैक्टराइजेशन करके एक बार उसको फैक्टर करके देखो, 750 के कौन कौन से फैक्टर आ सकते हैं, तो ऑप्शंस पे जाना पड़ेगा थोड़ा, ये इट इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, बट स्प्लिटिंग होने के बाद आपको सॉल्यूशन आना चाहिए।
एंड वी आर गेटिंग दिस आंसर. ओके, तो स्प्लिटिंग मेथड भी अच्छा लगा. क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 अभी करने वाले हो या नेक्स्ट क्लास में करने की तैयारी है, बोलिए. अभी करें, ठीक है. फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज दिस एंड प्रोडक्ट इज दिस. टू नंबर हुज सम इज, एक नंबर तो हो जाएगा एक्स, दूसरा नंबर हो जाएगा 27 माइनस एक्स, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए. ये होना चाहिए 182. ये मेरा इक्वेशन बनेगी और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वॉल्यूशन आ जाएगा. ये नहीं किया, ये इक्वेशन, इसको सॉल्व करेंगे. क्या आएगा ये 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल 182. ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x और प्लस, इसको इधर ला के देखना, ये वाली इक्वेशन आएगी. एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182. जरा करके देखिए, करोगे ये क्वेश्चन? एक क्वेश्चन आप करके देखिए. यू ट्राई इट. ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं एक बार प्रैक्टिस करने के लिए. मैंने आपको आइडिया भी दे दिया है, ओनली यू हैव टू सॉल्व. एंड नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 करेंगे. एंड वी विल डू अनदर मेथड ऑफ सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर. अगला टेक्निक पढ़ने वाले हैं इन नेक्स्ट क्लास. ओके, सो अभी तक जो पढ़ा है शांति से दोबारा पढ़ लेंगे इसको. एंड यू हैव टू ट्राई ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 3 और 4.2 रिमेनिंग क्वेश्चंस. एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास वेयर वी विल डू दिस रिमेनिंग क्वेश्चंस एंड वी विल स्टडी फर्दर. ओके.